इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यमुना एक्सप्रेसवे पर दो गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मथुरा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। तो मथुरा में सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हुई है, ये दुखद हादसा हुआ है। दरअसल गाड़ियों की रफ्तार काफी ज्यादा थी, दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती है। तस्वीरें आप देखिए कि कितनी टक्कर ये भीषण रही होगी, क्योंकि टक्कर के बाद गाड़ियों में आग लग जाती है। हादसे में चार लोगों की मौत हुई है जबकि चार लोग घायल हुए हैं। टी20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड को 35 रन से हराकर न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। आयरलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 185 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 150 रन ही बना पाई। परमाणु युद्ध को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई। रूस ने ये चेतावनी दी कि दुनिया की पांचों परमाणु महाशक्तियां आपस में भिड़ने के लिए तैयार हैं, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। मतलब ये कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग महायुद्ध की शक्ल ले सकती है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में दुनिया में किसी भी वक्त परमाणु बम फट सकता है। असल में रूस और यूक्रेन की जंग 9वें महीने में पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बाद भी न तो पुतिन अपना सैन्य अभियान रोकने के मूड में है और न ही ज़ेलेंस्की उनके आगे झुकने के लिए तैयार हैं। मौजूदा हालात ये हैं कि पश्चिमी देशों के बलबूते यूक्रेन रूस को आंखें दिखा रहा है और यही बात पुतिन को नागवार गुजर रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए उस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है और आशंका ये जताई जा रही है कि वो कभी भी यूक्रेन पर परमाणु बम फोड़ सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच रूस की तरफ से ही ये चेतावनी जारी की गई कि दुनिया की पांचों महाशक्तियां जंग के कगार पर पहुंच चुकी हैं।